ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपने डी लाइव ब्राह्मण युवा शक्ति के द्वारा आज गोलमोरी में यह प्रोग्राम किया जा रहा है। अगर अपने अस्तित्व की रक्षा जानते हैं, अगर सच में सोचते हैं कि ब्राह्मणों के लिए आज एक बहुत ही गौरव का दिन है, मुझे याद है, लेकिन अब इसके बाद हम क्या बोले हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं खड़ा था वहां, मुन्ना भैया बार बार बोल रहे थे बैठिए। हम बोले क्यों खड़ा, मैं क्या खराब लग रहा हूँ? तो बोले कि नहीं आप तो नेता हो। रुके रुके रुके, इधर देखिए थोड़ा पीछे आ जाइए आप लोग मोबाइल लेके, देखो फोटो हो जाएगा भैया। रविशंकर पांडे जी टेलको से कि ब्राह्मण सभ्यता है, संस्कृति है और संस्कार है। वो चीज हम नहीं है और हम वही हैं कि जो हम चाहेंगे वो ही हम करेंगे। ये हम सबको संदेश देना चाहते हैं कि मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ और न ही कमज़ोर बनने की कोशिश करता हूँ। जब जब समय आया है बुरा, तब तब ब्राह्मण को अवतरण लेना पड़ा है और किसी न किसी रूप में अवतार ले करके, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, इस पृथ्वी का जो भी विध्वंस किया गया, गलत चीज़ का, गलत आत्मा का विध्वंस किया गया, इसलिए हम लोगों ने इसका एकदम प्रोग्राम को शुरू किया और सब भाई मिल करके हमारे आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आपका आकाशदीप प्लाजा के बगल में गोलमुड़ी जॉगर्स पार्क में हो रहा है। आज भगवान विष्णु के छठे अवतार श्रद्धेय भगवान परशुराम जी का प्राकट्य उत्सव था। इस सापेक्ष में गोलमुड़ी स्थित जॉगर्स पार्क में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे और अपने इष्ट देव भगवान परशुराम की महाआरती और पूजन यहां संपन्न की गई। हालांकि बारिश के कारण थोड़ी अव्यवस्था हुई, लेकिन यह शुभ संकेत यह है कि ब्राह्मण समाज और स्थानीय ब्रह्मर्षि मंच से भी जुड़े जो बड़ी संख्या में लोग थे, उन्होंने इस आयोजन को बहुत ही भव्य और सफल बनाया, इसके लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि आप गौर करेंगे तो हमारे जो ब्राह्मण समुदाय है बहुत ही दीनहीन अवस्था से गुजर रहा है। चाहे आप सरकार की ओर से उपेक्षा की बात करें या प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप गौर करें तो हम लोगों ने यहाँ पर एकजुट होकर के समाज में संदेश देने का प्रयास किया है कि वर्तमान समय में एकजुटता ये समय की मांग है और हम लोग एकजुट होकर के समाज के अपने जितने भी भाई और वृंद हैं सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे और आगे सदस्यता अभियान के माध्यम से इसकी रूपरेखा तय की जाएगी। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।